ऑलराइट, बड़े टाइम बाद ये वाला कंटेंट वापस आ चुका है। यस एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉरर व्हाट्सएप चैट्स। एंड आई डोंट नो तुम में से कौन कौन ये देखेगा अभी, पता नहीं, बट हाँ मुझे काफी ज्यादा मजा आता था ये बनाने में। हाँ, कुछ ज्यादा ही मजा आता था। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता ना तो मैं एक विजुअलाइजर बंदा हूँ। मतलब कि मेरे सामने अगर कोई तुम स्टोरी बोल रहे हो ना, या मैं कुछ स्टोरी बोल रहा हूँ, तो मैं उसको दिमाग में विजुअलाइज करने लग जाता हूँ, ठीक है। एंड तुम समझ जाओ, जब मैं ऐसे हॉरर वाली स्टोरीज या चैट्स पढ़ता हूँ अपने मुंह से अकेले रूम में बैठ के रात के 5 बजे, सुबह के 5 बजे, सुबह हो रही है, मेरे को सोना चाहिए अभी, तो मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। यस, तो ये स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर व्हाट्सएप चैट। एंड ये रिलेटेड होने वाली है एक रूममेट से, एंड इसका टाइटल है द रूममेट। ओह नाइस, इंटेंस माहौल। लाइट नहीं बंद करना चाहता मैं सुबह, भाई मैं अकेला हूँ, प्लीज, मम्मा भी जाने वाले हैं बाहर। ऑल्सो प्लीज हिट द लाइक बटन ताकि मुझे पता चले तुम्हें ये वाले टॉपिक्स या ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं या नहीं। सो या चलते, अब बहुत हो गया भाई, रूममेट पे चलते जल्दी से। नहीं भाई, मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं पसंद, सॉरी टू से, बट हाँ ओके। सो स्नेहा रूममेट है जिससे बात कर रही है। हाय सूरभी, ओके सामने वाली का नाम सूरभी है। कब तक पहुंच पाओगी? बाय द वे सुबह के 10 बजे की चैट से। एंड बाय द वे फॉरगॉट टू टेल यू, ऑल द क्रेडिट गोज टू डोंट लुक बिहाइंड। सो या वी कंटिन्यू नाउ। बस आ थोड़ी देर में हैं, अरे का मतलब सामान पैक करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। आओ फिर, थैंक यू मुझे अपना रूम ऑफर करने के लिए, मुझे इतने कम टाइम में कहीं और रूम नहीं मिलता। ओके, तो इसकी रूममेट स्नेहा से बुला रही है सूरभी को, एंड ये काइंड ऑफ रूम शेयर करके रहने वाले साथ में। ओके ओके, अभी तक समझ में आ रहा है। एंड फिर स्नेहा लिखती है, इट्स ऑल राइट, मुझे भी न्यू रूममेट की जरूरत थी, समथिंग इज फिशी हियर, आई डोंट नो। एंड सूरभी लिखती है, तुम्हारी पुरानी रूममेट कहाँ गई, तुम्हें और कितना टाइम लगने वाला है। अरे भाई क्वेश्चन, सूरभी ने क्वेश्चन पूछा, तुमने इग्नोर ही कर दिया यार। स्नेहा क्या कर रही हो? 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, जब मैंने पहले तुमसे पूछा था कि रूम खाली है क्या, तो तुमने कहा था कि कोई और लड़की रहती है साथ में, वो कहाँ गई? हम तीन लोगों को रूम शेयर तो नहीं करना होगा ना? भाई शी इज कंसर्न्ड। एंड अभी तक स्नेहा ने इस बात पे कुछ बोला भी नहीं है, व्हाट। एंड फिर स्नेहा लिखती है, नहीं, उसे मकान मालिक ने निकाल दिया था करीब 15 दिन पहले, उसका कुछ सामान बस रखा है अभी। ओके दिस इज रियली फिशी, क्यों निकाल दिया था? तुम क्वेश्चंस बहुत करती हो। This was important. Actually, उसको एक रात मकान मालिक ने कोई पूजा करते हुए देख लिया। Bye, don't tell me this is real life based. अभी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रही है, kind of, पता नहीं तुम्हें शायद पता होगा, कोई रूममेट ही कर रहा था कोई गंदे रिचुअल्स, आई मीन बुरे रिचुअल्स। वो आधी रात को छत पर आग जलाकर बैठी थी, नींबू सिंदूर कटे हुए बाल कपड़े की गुड़िया नीडल्स ये सब रखी थी। अच्छा जी, पर मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ सुबह के 5 बजे? ये देखते ही उसे अंकल ने तभी निकाल दिया, रात को ही। हाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट है, हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते। अपने मकान मालिक को इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, इसलिए उस बारे में तुम भी बात मत करना। अच्छा मैं डर गया। ओके ओके ओके, हम गेट पर ही पहुंचने वाले हैं। हम? अरे तुम अकेले नहीं आ रही थी भाई? 5 days later, अरे पहुंच भी गई, बताओ तो सही कुछ। हेलो अपडेट, पहुंची नहीं पहुंची, सो गई उठी, कुछ तो दसो। ओके अगेन स्नेहा से बात हो रही है, कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, बिजी हो क्या? ब्रो मेरे साइड में ना तकिए रखे हुए हैं, आई किड यू नॉट, मुझे लगा कि कोई सोया हुआ है। ब्रो इन्हें हटाने दो, एक सेकंड रुको यार। ये देखो, एक तो ये लग भी ऐसे कलर के रहे ना, ये अबे भाई कहाँ रुको, इन्हें मैं यहीं पे रह, तू चल भाग यहां से। दो बच्चे लग रहे हैं यहाँ पे लटे हुए। ओके हम कहाँ थे, हाँ बिजी हो क्या? एंड फिर स्नेहा लिखती है, क्या हुआ? एंड फिर सूरभी लिख रही है, मुझे रूम पर अजीब सी फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। ओह डैम, ओह नो, समथिंग इज वर्किंग। भाग ले सूरभी, टाइम है अभी भी। जब किसी न्यू जगह पर जाते हैं तो ऐसा ही होता है। भाई ये स्नेहा इतनी बुरी साउंड कर रही है ना अभी? नहीं यार, ये वो वाली फीलिंग नहीं है, मैं जब भी इस कमरे में अकेले होती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। अरे मत बोल सूरभी, तू मेरे को भी यही लगता है, लेकिन मेरे को रिलेट नहीं करना सूरभी, तेरे से हट, गंदी सूरभी। सूरभी नाम की लड़कियां भी रो रही होंगी। तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्लीज मैं इसे बोल रहा हूँ, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। अरे मैं पागल हूँ क्या? मैंने तुम्हें बोला मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ, रुको यार। फिर स्नेहा लिखती है, कैसी बातें कर रही हो सूरभी, मुझे तो कभी उस रूम में ऐसा लगा ही नहीं, तुम तो रात भर हॉस्पिटल में ही रहती हो ना, इसलिए तुम्हें फील नहीं होता, ये फीलिंग्स रात को और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी नाइट शिफ्ट में ही ड्यूटी लगती है हमेशा, रात को बहुत कम नर्से काम करना चाहती है। स्नेहा, हाँ बालकनी में कोई लड़की खड़ी है। ओह नो,
ओह नो ब्रो, दिस इज बैड। सुरभि, मैंने तेरे को बोला था भाग, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी? रो रही है। ओह नो भाई, पहली बात तो अगर कोई ऐसा फिशी रूममेट है, तुम उसके साथ तुम रह क्यों रहे हो? भागो, अरे कोई और रूम ढूंढ लो भाई, सड़क पे सो जाओ। ऐसे परेशानी दायक लोगों से दूर रहो। कौन लड़की? अपने रूम की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास और मेरे पास ही है ना। सुरभि क्या हुआ, कौन लड़की खड़ी है? हेलो, ओ माय, क्या ये? ओ नो, अरे भाई क्या हो लिया? क्या हुआ? वो लड़की, वो गायब हो गई। उसका गला कटा हुआ था, उसके गले से खून निकल रहा था, वो रो रही थी, फिर वो गायब हो गई। उसने मुझे कुछ कहा था कि सुरभि तू पागल है, उसने ये कहा था तुझसे। अरे भाई गला कटा, खून, क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है भिक्षु, बस कुछ देर और प्लीज, काम चला ले। क्या कहा था? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारे हिसाब से कोई लड़की बिना चाबी के बालकनी में आकर रोने लगी? अरे तू मान लेना स्नेहा, छत पे जो हुआ था कांड, जो पिछली लड़की करके गई थी, उस हिसाब से तो तेरे को मानना चाहिए। फिर गायब भी हो गई, इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, वो इंसान नहीं थी, वो मुझे हार्म करना चाहती थी, उसको मेरा नाम भी पता था। प्लीज मेरा यकीन करो। अरे कर ले स्नेहा यकीन भाई, इतना प्यार से बोल रही है यार, वो इतने प्लीज यूज करवा दिया तुमने। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुझे आराम की जरूरत है, तुम सोने की कोशिश करो। अगर फिर से कोई दिक्कत हो तो मकान मालिक नीचे ही रहते हैं, उनके पास चले जाना, आंटी बहुत अच्छे हैं, वो तुमको नीचे रोक लेंगी। प्लीज वो आत्मा मुझे मार डालेगी। अरे भाई भाई क्या वर्ड यूज कर रही है तू, 5 बज रहे सुबह के, प्लीज थोड़ा तो रहम करो यार, मैं गलत वीडियोस टॉपिक क्यों ढूंढता हूँ गलत टाइम पे। एंड द थिंग इज, अभी 20 मिनट में मेरा घर पूरा खाली होने वाला है। सुरभि ओके अरे क्या ओके, दवाई खाकर सो जाना। अबे बीमार भी होगी सुरभि? ब्रो व्हाट, उसको इतना ट्रॉमा मिला वो बीमार हो गई। मैं आज अपनी एक फ्रेंड के यहाँ रुकूंगी, मैं उस कमरे में रात अकेले नहीं काट सकती। ओके सो द थिंग इज कि जो स्नेहा इसकी फ्रेंड है, उसकी नाइट शिफ्ट लगती है, शी इज अ नर्स, एंड सुरभि को उस घर में रात में अकेले सोना पड़ता है, तो यार दैट्स काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जैसा माहौल है और जो पिछली वाली रूममेट करके गई है वहाँ पे। ये हो क्या गया है तुम्हें? उस कमरे में भूत है, वो भी एक नहीं तीन तीन। अरे भाई, अरे क्या सुरभि भाई, यहाँ पे एक से डर लग रहा है, इन्हें तीन तीन बोल दिए भाई। नॉट गोना लाई, तुम ना ये मुंह से पढ़ के कभी रात को या जब तुम अकेले हो, जरा पढ़ के देखना स्टोरीज, तुम्हें पता लगेगा भाई मैं क्यों करता हूँ ये सब। कल रात मुझे नींद में अपनी चेस्ट भारी भारी लगी, जब मेरी आंखें खुली तो ज्योति मेरे ऊपर बैठी हुई थी। ब्रो हुई ज्योति, अबे एक कौन आ गई तीसरी मेरे सीने पर और मुझे घूर रही थी, और दो लड़कियां मेरे दोनों पैर पकड़े हुई थी। ब्रो दिस इज सो वियर्ड, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये सब। Oh my God, this is weird. मुझे दबोच रखा था उन्होंने, ये सब तुम्हारा वहम है, मैंने तुम्हें ज्योति की फोटो दिखाकर गलती कर दी, अब तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहोगी तो यही सपना आएगा ना। ओ ब्रो कुछ फोटोज आई हैं, कुछ फोटोज आई हैं। सपना? अगर वो सपना था तो ये क्या है? ओ ब्रो मार्क्स, ईयू, अरे चोट चाट लगी इसे तो। अरे नर्स जी कुछ करो भाई, कैसी स्नेहा फ्रेंड है तू, बिल्कुल स्नेह नहीं है तुझे इसे। ये निशान मेरे दोनों पैरों पर कैसे आया, कल तक तो नहीं था, तो आज आ गया ना। ठीक है भिक्षु चुप, तुमने नींद में खुद से कर लिया होगा। और भाई ना विश्वास करने की हद होती है, कभी कभी हो जाता है। रात को मुक्का मार देना है, रात को तुम्हारी नींद ना खुले इसलिए तो वो नींद की गोली दी थी तुम्हें। ब्रो तुम देख रहे हो इतना बुरा हाल है, वो नींद की गोली लेके सोती है। ब्रो व्हाट, मैं यहाँ रात अकेले नहीं रोक सकती, जब भी मैं अकेली होती हूँ मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है। मैं बस पढ़ रहा, अच्छा मेरे को लगा वापस से कुछ इमेज आ गई, मैं बस पढ़ रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। समझ नहीं पाती कि आखिर क्या कह रही है वो आत्माएं। तुम्हें जैसा आहे लगे वैसा करो, जैसा आहे लगे, अच्छा जैसा लगे, ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग, पटेल अंकल लैंडलॉर्ड, ओ मकान मालिक से बातचीत हो रही है। अब कहाँ हो अभी बेटा, अब ठीक हो? हाँ अंकल जी, अभी तो अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, सुबह सुबह ही निकल आई थी। ओके तो अभी अपने फ्रेंड के पास चली गई है सुरभि, बट इसकी लैंडलॉर्ड से क्यों बात हो रही है? ओके शायद तबीयत पूछ रहा होगा लैंडलॉर्ड, ओके नाइस। हाँ बताया था स्नेहा ने, देखो बेटा जब से तुमसे पहले वाली लड़की गायब हुई है, हमारे घर का ही नहीं पूरे मोहल्ले का नाम खराब हुआ है। अब तुम ऐसे रात को पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोड पर घूमोगी तो लोग क्या सोचेंगे हमारे घर के बारे में, है? सुरभि तू ये सब क्या कर रही है, बैड हैबिट्स भाई। ओके तो दिखाया क्यों नहीं सुरभि चिल्लाते हुए? अंकल मुझे कौन सा शौक है ऐसा करने का, लेकिन उस कमरे में मैंने ज्योति को देखा, उसका गला कटा हुआ था, वो इंसान नहीं बल्कि आत्मा लग रही थी, इसलिए मैं चीखते हुए वहां से भागी। अब तो मेरे से भी चिखवाएगी।
मेरे को नहीं चीखना है। क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है, इलाज कराओ अपने दिमाग का। वैसे भी ज्योति हमारा रूम छोड़ने के बाद घर नहीं गई, तो उसके माँ बाप पुलिस से हमारे खिलाफ FIR कराए। Oh damn bro, this is weird, this is escalating really bad. मुझे पता है कहाँ जा रही है स्टोरी, एंड आई रियली वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, सो या आई एम टेकिंग अ ब्रेक। वाओ व्हाट अ लाइफ, बुढ़िया स्टोरियां पढ़ रहा हूँ मैं अकेले घर में। वो मुसीबत कम है जो अब तुम कह रही हो कि उसकी आत्मा तुम्हें दिख रही है। अरे मुसीबत क्या सर यार, अगर वो बोल रही है तो समझो ना बात को यार। अब कोई किसी का शौक थोड़ी ना होता है ऐसे अपनी मर्जी से इतना बोल रहे होगे। मैं सच कह रही हूँ अंकल, मुझे सिर्फ ज्योति ही नहीं उसके अलावा और दो लड़कियां भी उस रूम में दिखी। दोनों इंसान नहीं बल्कि आत्माएं थी। उनकी आंखें बिल्कुल काली, चमड़ी सड़ी हुई और तीनों की नेक पर एक जैसे कटे गले के घाव थे। बकवास बंद करो, स्नेहा के कहने पर हम लोगों ने तुम्हें किराएदार रखा था, लेकिन अब लगता है कि एक लड़की की मिसिंग होने के बाद इतनी जल्दी किसी और को नहीं रखना चाहिए था। यार कमाल कर रहे हो यार, उसको कंसोल करने की जगह डांट रहे हो यार, ये कैसे ऐसे नहीं चलता है यार, कमाल के अंकल हो यार आप। आप अगर इतनी रात को उसे बाहर ना निकालते तो शायद वो गायब भी ना होती। ओ डैम, अब ये इसको ही ब्लेम कर रही है, उसे बुरा लगा होगा। मैंने उसे नहीं निकाला था, वो खुद रातों रात गायब हो गई। What? हमें तो दो दिन पहले से ही नहीं दिखी थी, उल्टा हमें वो काला जादू का सामान साफ करने के लिए छोड़ गई। हमें पैसे देकर वो सामान हटवाना पड़ा। जिसने वो सामान साफ किया था वो तक उसी दिन बीमार है, उस दिन से बीमार है वो। तो बेसिकली जिस लड़की ने वो रिचुअल वगैरह किए थे छत पे, तो उनका सामान हटाया था इन्होंने, बिकॉज ये खुद नहीं हटवाना चाह रहे थे, और जिसने वो सामान हटाया था वो बीमार है उस दिन से। ब्रो दैट्स क्रेजी। आपने उसको रात को बाहर नहीं निकाला था? अरे अकेली लड़कियों को हम क्यों रात को अकेले बाहर निकालेंगे। जैसे भी रही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक महीना होने को आया, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा उसका। स्नेहा ने तो कहा था कि आपने उसे बाहर निकाला। तुम बच्चे भी ना, न जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हो। देखो बेटा, अगर अच्छे से रह सकते हो तो रहो, वरना कोई और जगह देख लो। ब्रो द स्टोरी एंड्स, आई थिंक सो इसका पार्ट 2 आएगा। क्या स्नेहा ने झूठ बोला इसे? मेरे को तो स्टार्टिंग से फिशी लग रही थी स्नेहा, मैं तो स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ। ओके आई डोंट नो क्या हुआ होगा, बट यार ये कॉन्वर्सेशन यही भी खत्म होती है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है बिकॉज दिस इज डे 2 एंड आज मेरा कैमरा भी नहीं चल रहा है, तो यस मुझे चैट्स ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता इसमें ज्यादा मजा आए, हु नोस। एंड ये चैट है बिटवीन राखी एंड अक्कू, जो कि रिलेटेड टू है एक मर्डर विटनेस, तो यस देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। ऑलराइट, तो राखी अक्कू को लिखती है। हाय अक्कू, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, एग्जाम सर पर है। ओके अक्कू के एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स की बातें हो रही है यहाँ पे। एंड फिर राखी लिखती है, ऐसी हालत में भी तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है? मैं तेरी जगह होती तो पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं पाती। ओके ऐसा क्या हो गया भाई, किसी का मर्डर विटनेस करने के बाद कोई कैसे पढ़ाई पे ध्यान दे सकता है? ओके तो शायद से वो अक्कू है जिसने एक मर्डर को विटनेस किया, यानी कि एक मर्डर होते हुए देखा है। एंड फिर अक्कू लिखती है, प्लीज राखी उस सब के बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे, मैं ऑलरेडी पुलिस और नीता के घर वालों को जवाब दे देकर थक गई हूँ। तो शायद अक्कू से बहुत ज्यादा पूछताछ हुई है, आई मीन ऑब्वियसली उसने एक भाई मर्डर होते हुए देखा है, एंड पुलिस वाले इधर उधर के लोग पूछ पूछ के, तुम्हें पता ही है कितना पूछते हैं लोगों को, कितनी पंचायत होती है। एंड फिर राखी लिखती है, आई नो तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा इस सब के बारे में बात करना, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे नीता की लाश दिखाई देती है। ओह नो ब्रो, मर्डर एक्चुअली में नीता का हुआ है। ऑलराइट, तभी वो पुलिस वालों को एंड नीता के घर वालों को बता के आई है सारी चीजें। ओह यार नाउ दैट मेक सेंस, मुझसे ढंग से खाना तक नहीं खाया जाता, ऊपर से भूलना भी चाहो तो हर दो दिन में पुलिस को मुझसे बात करनी होती है। अब हम ही तो एक गवाह है उसके खून की, उसे जस्टिस दिलाने के लिए इतना तो करना ही होगा। तुम अगर चाहो तो पुलिस से बात करना बंद कर सकती हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। आई नो बट मैं जितना हो सके पुलिस की हेल्प करना चाहती हूँ। भले ही मैंने उस मर्डरर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन जब वो भाग रहा था तब मैंने उसके कपड़े देखे थे, और जब तक मैं नीता के पास गई तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। मैं तो किसी से सारी डिटेल्स बता भी नहीं सकती, पुलिस ने मना किया है। ओके तो एक्चुअली मैं अक्कू ने सारी चीजें अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है, एंड जैसा उसने बोला उसने मर्डरर का चेहरा नहीं देखा, तो ये बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है मर्डरर को ढूंढना। बट उसने बोला कि उसने उसके कपड़े देख रखे हैं, तो या लेट्स सी। देन फिर राखी लिखती है, वैसे पुलिस ने तुम्हारे बयान के हिसाब से नीता की BF को अरेस्ट किया है, लेकिन क्या तुम्हारा बयान उसे सजा दिलाने के लिए काफी होगा? पता नहीं राखी, जो कपड़े पुलिस को रैकी के घर से मिले वो सेम उस मर्डरर के कपड़े से मैच करते हैं जिसे मैंने देखा और जो CCTV कैमरास में दिखा था। ओके तो एक्चुअली मैं नीता का जिसने मर्डर किया है वो और कोई नहीं, नीता का BF ही है। अक्कू ने अभी लिटरली बोला उसके कपड़े मर्डरर जैसे थे,
एंड वो उसके घर पे पाए गए हैं। ओके ब्रो, दिस इज गेटिंग इंटेंस। तुम तो उसे जानती थी ना, तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है? लगता तो नहीं है, बट आजकल के जमाने में क्या कह सकते हैं यार, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ अच्छा, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी, सोचा था तेरा हाल पूछ लूं। आज एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ फंक्शन है, तो मम्मा पापा मुझे वहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया, मूड नहीं था, तो अब वो लोग बस जा रहे हैं। ओ ब्रो, आई थिंक सो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो। ओके होल्ड अप, अक्कू शायद अकेली होने वाली है घर पे, क्योंकि ऐसी साइड उसके घर वाले फंक्शन में जा रहे हैं। एंड देन राखी लिखती है, तू अकेली रह लेगी? हाँ यार, एक काम कर, तू आ जा, आज रात यहीं रुक जाना। ओके ठीक है, चलो इसकी दोस्त रहेगी इसके साथ, वे बेटर। हाँ ये सही रहेगा। और सुन, अगर तेरे डोरबेल बजाने पर गेट ना खोलूं तो कॉल कर देना, मुझे हेडफोन लगा के काम करने की आदत है ना, और तू हमेशा की तरह गाने सुनते सुनते सो जाए तो। भाई मेरे से हंसा नहीं जा रहा, वैसे मेरा गला खराब है यार। एंड देन फ्यू मिनट्स लेटर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, फोन उठाओ मेरा, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। एंड देन अक्कू लिखती है, तुम पुलिस कस्टडी से कब छूटे? तुम तो रिमांड पर थे ना। डैम, आई थिंक सो ये नीता का बीएफ है। मैं आज ही छूटा हूँ, पुलिस ने तुम्हारे फादर को इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन वो तुम्हें बताना भूल गए। जो भी हो मुझे कॉल मत करो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम मुझे कांटेक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, विटनेस को हरास करने के चार्जेस अलग से लगते हैं, मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वजह से मैं जेल में जा रहा हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें कांटेक्ट ना करूँ? ये कैसे हो सकता है? तुम अपने गुनाहों की वजह से जेल जा रहे हो, ना कि मेरी वजह से। उसी बारे में बात करनी है तुमसे मुझे, और पुलिस को बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। ओह नो, ओह डैम। एंड गेस व्हाट, शाम के 7 बज रहे हैं अभी। आई थिंक सो अक्कू के पेरेंट्स जा चुके हैं, एंड मेरे को लग रहा है अभी उसकी फ्रेंड भी नहीं आई अभी तक। पुलिस के आने तक तो क्या से क्या हो सकता है, मैंने अभी अभी तुम्हारे घर वालों को कहीं जाते हुए देखा है, मुझे पता है तुम घर पर अकेली हो। अब मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे किसी मर्डरर के सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। एंड ये चैट सेम पे खत्म होते हैं, आई गेस इसका कोई अगला पार्ट होगा, बट आई थिंक सो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। हा हा।